अल्लाह वबरकत। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज हम आगे अपनी वीडियो के साथ। तो अभी ऐसा है कि छत पे आया हूँ, मैंने कबूतरों को दाना वगैरह डाला ताकि कबूतर दाना वाना खा ले अपना। और ये देखें ज़रा, ये मुर्गा ऊपर है, बाकी जो सारे जो है ना वो नीचे हैं, वो देखें वहाँ पर। मैं आपको एक चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि वो मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में, क्योंकि अभी नीचे चल के ही बताऊँगा कि क्या चीज़ है, क्या बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ तो है ही है पक्का। खैर, इनको भी अभी खाना वगैरह डाल दिया, दाना वगैरह इनका ये रहा, दाना वगैरह यहाँ डाला हुआ, बाकी नीचे डाला हुआ है। ठीक खा रहे अपना दाना वाना सकून से। माशाल्लाह मेरी डग जो है वो भी पूरी हैं और मुर्गियाँ भी मेरी पूरी है अल्हम्दुलिल्लाह। छोटा वाला मुर्गा है ना, इससे वो इस कलर का, वो उसने बहुत तंग किया हुआ, वो अभी भी ना छत पे चढ़ा हुआ है, बस ऊपर वाली यहाँ पर छत पे चढ़ा हुआ है और अभी भी उस छत के ऊपर ही है। सर पार गुस्सा बहुत जलाता है वो, लेकिन खैर छत के ऊपर ही है, कहीं जाता नहीं है छत के ऊपर से वो, तो ये अच्छी मजे की अच्छी बात है। अभी जो हमारी मुर्गी जो है ना बैठी हुई है तो, लेकिन सही तरीके से नहीं बैठी हुई। देखिए अंडे कहाँ कहाँ घूम रहे हैं इसके, मेरी समझ से बाहर है क्या करना चाह रही। हाँ देख लो, लेकिन अब बच्चों की केयर नहीं करना तुम बस। अभी हम अपनी डोली से भी मिलवाते हैं आपको। हमारी डोली को बाहर आने की पड़ जाएगी। अभी देखिएगा अजो अजो कैसे आएगी फौरन, मेरे हाथ में आने, मेरी डोली ने गंडी चूड़ी है मेरी डोली को। तो निन्नो आ रही थी ना, आपको निन्नो नहीं आ रही थी डोली, आपको निन्नो आ रही थी, लेकिन बाहर फिर भी घूमने मेरी डोली ने। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका नाम आपको पता है ना, डोली है इसका नाम, हम इसको प्यार से क्या कहते हैं, डोली। ये मुर्गा सबसे सही है भाई, कहीं नहीं जाता ये, हालांकि इसको पता है लेकिन कहीं जाएगा नहीं। बत्तखें भी माशाल्लाह यहीं है, वो तीनों भी यहीं पर है, लेकिन वो जो दो है ना उन्होंने बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा है, बहुत ज़्यादा। मैं जाऊँगा छत पर ही मिलेंगी वो मुझे, छत पर चढ़े हुए, इनका काम ही यही है बस। बहुत गुस्सा दिलाया हुआ इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ना, ये दोनों अपनी जोड़ी बनाई हुई है इन्होंने और एक छत पे ही इधर से उधर ना घूमते रहेंगे बस। भाई तुम लोग कब अंडे दोगे यार, फिंचेस की तरह नहीं बन जाना तुम लोग। आपको मालूम होगा कि मेरे पास फिंचेस थी, उन्होंने मेरे पास ब्रीड नहीं कर रही थी, देने लगा ना जब पता चला कि भाई उन्होंने दो अंडे दिए हुए, तो हमें तब पता चला था कि भाई उन्होंने ब्रीड की हुई है और उसमें बच्चे बन भी रहे थे माशाल्लाह से, लेकिन उन्होंने दो अंडे दिए हुए थे। तो खैर इंशाल्लाह ये भी अंडे देंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं दें, ये अंडे देंगी देंगी भाई जल्दी। देखूँ ज़रा दिए हैं या नहीं दिए हुए, ये भी पता चल जाएगा। बिस्मिल्लाह, नहीं भाई कोई अंडा नहीं दिया हुआ। इनको थोड़ा दाना वगैरह भी डाल देते हैं इनको, क्योंकि भाई पानी वगैरह तो ज़रूरी है, क्योंकि आज बहुत ना गर्म हवाएं चल रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हवा चल रही है इस वजह से। तो खैर इनको भी पानी वगैरह डाल दिए, इनको थोड़ा खाना वगैरह भी डाल देते हैं ताकि खाना वाना खाएँगे सकून से और फिर ये सो जाए। फिर मैं तो रात नहीं आऊँगा, कोई रात में मुझे टाइम मिलेगा तो ब्लॉग भी आज जल्दी एंड करना पड़ेगा इसकी वजह से। डाल दिए अपने दाना वाना खा रहे हैं सकून से, खाओ भाई तुम लोग। तो अभी जो है ना ये लोग अंदर दाना वाना खाएंगे सकून से, बाकी जो दो जो हैं वो छत पे चढ़े हुए, सबसे पहले छतों का काम है। तो आज जो है मैं आऊँगा अभी काफ़ी देर से, तो इनका पानी वगैरह मैंने इनको भर दिया, लेकिन शाम के टाइम बोल दूंगा कि कोई आके इनको पानी वगैरह डाल दे ताकि पानी वगैरह ये पी लें सकून से। तो आज का ब्लॉग जो है हम दोपहर के टाइम में एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी करिएगा और बर्ड लाइफ एडवेंचर्स चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।